मधुसूदन गढ़ इलाके में एक पिता की हैवानियत सामने आई है। उसने अपनी ही 13 वर्षीय बच्ची के साथ 2 वर्ष तक ज्यादती की। वो डरा धमका कर लगातार कुकृत्य करता रहा। बच्ची के भाई ने उसके पिता की पोल खोल दी। उसने एक दिन अपने पिता को बच्ची से ज्यादती करते हुए देख लिया। वो थाने पहुंचा और वहां से मामला CWC के पास गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि CWC की अध्यक्ष अनुसुईया रघुवंशी ने बताया कि मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में रहने वाली 12 साल की किशोरी को उसके पिता ने घर में कैद कर रखा था। उस पर सारी बंदिशें लगाई गई थी। उसे घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा था, साथ ही साथ उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। उसके साथ मारपीट करता था, घर से निकलने की धमकी देता था। सब कुछ सहकर भी वो अपने पिता की करतूत के खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रही थी। बच्ची के 2 बड़े भाई हैं, वो दोनों लटेरी में एक आवासीय स्कूल में पढ़ते हैं। बच्ची का भाई घर आया तो उसने सारी बात बताई, लेकिन उसे समझ नहीं आया। एक दिन किशोरी के भाई ने ही पिता को बेटी के साथ ज्यादती करते हुए देख लिया। वो पुलिस थाने पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी। मामला गंभीर होने से बाल कल्याण समिति को उसकी सूचना दी। समिति ने मामले को गंभीरता से लिया। अध्यक्ष अनुसुईया रघुवंशी ने बताया कि हमने पूरे मामले की बारीकी से जांच की, बच्ची और उसके बयान लिए, पूरा मामला समझा। घटना बताते हुए पूरे समय बच्ची की आंख से आंसू निकलते रहे, वो काफ़ी डरी सहमी हुई थी। बयानों के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।